तो नवाबों के शहर लखनऊ में ये हमारा दूसरा दिन और इस दिन की शुरुआत हम करेंगे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा देखने के साथ। छोटा और बड़ा इमामबाड़ा दोनों ही लखनऊ के हुसैनाबाद एरिया में पड़ते हैं। जो इमामबाड़ा का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन है वो है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, जहां से इसकी दूरी सिर्फ 4.5 किलोमीटर है। और अगर आप हजरतगंज के मार्केट में हैं, वहां से यहां की दूरी भी 4 किलोमीटर ही पड़ती है। इन दोनों ही जगह से आपको टैक्सी या ऑटो करके यहां आना पड़ेगा और ये हफ्ते में 7 दिन सुबह 6 से शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है। सो आप यहां किसी भी दिन आ सकते हो। मैं पहुंच गया हूं इस वक्त लखनऊ के आजादारी रोड पर बड़े इमामबाड़ा में, और ये जो मेरे पीछे ये बड़ा इमामबाड़ा है, इसके ठीक वहां पर वो रूमी दरवाजा है और रूमी दरवाजे के उस तरफ छोटा इमामबाड़ा है। और यहां पर हमें गाइड भी मिल जाएंगे, अगर आप यहां आ रहे हो तो आप गाइड जरूर लें ताकि आपको अच्छे से यहां का पता चल सके। अब क्योंकि इमामबाड़ा घूमने में हमें काफी टाइम लग जाता तो हमने सोचा कि पहले यहां की बाकी चीजें घूम ली जाए। तो हम शुरुआत करते हैं यहां के सबसे पहले आइकॉनिक रूमी दरवाजे से। तो ये आपके सामने लखनऊ का फेमस रूमी दरवाजा, ये उस टाइम के अवध के नवाब असफुद्दौला ने 1784 में बनवाया था। इसे पुराने लखनऊ का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है और पहले इसे टर्किश गेट के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये टर्किश, ईरानियन और इंडियन के अवध स्टाइल में बना हुआ है। इसकी खास बात यह है कि पीछे की तरफ से देखने पर ये 3 दरवाजे दिखते हैं और आगे की तरफ से देखने पर ये एक सिंगल बड़ा दरवाजा दिखाई देता है। 60 फीट ऊंचा यह दरवाजा है। पहले यहाँ ऊपर भी जाया जा सकता था, जहाँ से आपको पूरा लखनऊ शहर दिखाई भी देता, लेकिन कुछ लोगों ने ऊपर जाकर कूदकर आत्महत्या कर ली तो सरकार ने यहाँ ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया। अब आप इसे सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं। यहाँ से पीछे आने पर हमें दिखता है ये 219 फीट ऊंचा क्लॉक टावर, जो कि लंदन के बिग बैन क्लॉक टावर से 100 फीट छोटा है। और जो ये क्लॉक टावर है, ऐसा भी बोलते हैं कि ये रेप्लिका है लंदन के बिग बैन क्लॉक टावर की। और इस क्लॉक टावर के ठीक सामने यहाँ आता है शाही तालाब। बड़े और छोटे इमामबाड़े के बीच में जो 1 किलोमीटर का रोड है, उसी के बीच में ये सब चीजें बनी हुई हैं। ये जो शाही तालाब है ये 180 साल पुराना है। वहाँ सामने सतखंडा है, उसी के साथ में आर्ट गैलरी और इस तरफ बना हुआ है ये क्लॉक टावर। यह है सतखंडा, जिसका मतलब होता है 7 खंड, यानी कि 7 मंजिलें। ये एक आधी अधूरी बिल्डिंग है जिसे अवध के तीसरे राजा मोहम्मद अली शाह ने 1837 में अपनी बेटी जीनत आसिया की ईद का चांद नजदीक से देखने की ख्वाहिश में बनवाना शुरू किया। और इसी बीच उनकी बेटी की जवानी में ही मौत हो गई और कुछ दिन बाद बेटी की मौत के गम में राजा साहब भी चल बसे। फिर इस बिल्डिंग को मनहूस करार दिया गया और 4 मंजिला के साथ इसे आधा अधूरा छोड़ दिया गया। अंदर नहीं जा सकते, ये बिल्डिंग भी रूमी दरवाजे की तरह गवर्नमेंट के ऑर्डर पर सील कर दी गई है कि कोई मजनू लैला के गम में ऊपर से कूदकर आत्महत्या ना कर ले। अब चलते हैं आगे, और यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर है ये आर्ट गैलरी। अवध के जितने भी जो नवाब रहे हैं उन सब के अंदर 3D पेंटिंग्स बनी हुई है, तो टोटल 10 मिनट भी नहीं लगते सारी पेंटिंग्स देखने में। अंदर जो गाइड है वो आपसे 10 मिनट के 2 से 3 हजार रुपए मांगने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत से भी बहुत ज्यादा है। बाकी मैंने 200 रुपए ही दिए थे और वो उसमें भी मान जाते हैं। अंदर कैमरा ले जाना या फोटो क्लिक करना बिल्कुल भी अलो नहीं है। अब मैं ये सारी चीजें आपको बताने ही वाला था कि कहीं से ये भाई आ गए और बोले कि मेरी भी वीडियो बनाओ। क्या कह रहे थे आप? हाँ, हम कह रहे वीडियो बन रही है। आप लखनऊ के हैं जी, तो मुस्कुराइए। कैसे मुस्कुराएंगे, जरा जोर से मुस्कुराइए। अरे फिर बहुत जोर से हो जाएगा। अच्छा जी। कहाँ जा रहे हो? अरे दूध बाट के आ रहे, अब जा रहे घर। एक घंटा। वैसे ये जो रूमे दरवाजा है, बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा है, या ये पिक्चर गैलरी है, ये बहुत ही आसपास है। हम जब वहाँ गए थे तो एक वहाँ कुछ लोग खड़े रहते हैं और वो बोलते हैं कि हम आपसे 100 रुपये लेंगे, उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो ई रिक्शा होती है वो, और ये सारी चीज़ दिखाएंगे और इसके बारे में थोड़ा बहुत वो बताते भी हैं एज ए गाइड की तरह। तो अब यहाँ से चलते हैं बड़े इमामबाड़ा की तरफ। तो यहाँ क्या हुआ था कि जब मैं आर्ट गैलरी देखने गया था तो वहाँ मुझे कंपोजिट टिकट मिली। आपको यही टिकट जो है ये यहाँ पर इमामबाड़ा में भी चलेगी और आपकी उस गैलरी में भी यही टिकट चलेगी। तो आप इसी एक टिकट से कंपोजिट टिकट लेकर इमामबाड़ा देखने आ सकते हैं और ये सिर्फ 50 रुपए की है। अठारहवीं सदी में लखनऊ के अंदर सूखा पड़ गया, जो कि 11 साल तक चलता रहा। तब लोग बेरोजगार होने लगे और नवाब असफुद्दौला ने कहा कि मैं मेरी जनता को बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। अब जो नवाब साहब थे वो बहुत ही सेकुलर इंसान थे, तो उन्होंने कहा कि चलो सभी धर्म के लोग मिलकर मुगल आर्किटेक्ट में एक भव्य मस्जिद और इमामबाड़ा बनवाते हैं। सेकुलर रहते हुए 1784 में उन्होंने इसे पूरा करवाया। किफायतुल्लाह इसके मेन आर्किटेक्ट थे, जो कि दिल्ली के थे, और 11 सालों में बनकर ये तैयार हुआ।
इस गेट से अंदर एंटर होते ही आपको दिखता है सामने इमामबाड़ा, उसी के साथ में यहाँ नवाब असफ के नाम पर असफी मस्जिद है और ये वो एंट्रेंस गेट है जहाँ से हम अभी अंदर आए हैं। यहाँ अंदर एक बावड़ी और भूल भुलैया भी बने हुए हैं। यहाँ अंदर आपको एक गाइड मिलते हैं जो कि आपको एक ग्रुप में ले जाते हैं बावड़ी और भूल भुलैया दिखाने, और उनकी फीस जो है वो है 100 रुपीज पर पर्सन। चलिए इस बावड़ी की सबसे खास बात अब आपको बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। इसमें नीचे एक जगह पानी भरा हुआ है जिसमें जो इंसान बाहर की तरफ यानी एंट्रेंस पर खड़ा है उसे आप अंदर से पानी के रिफ्लेक्शन में देख सकते हो, लेकिन अगर आप इसकी एंट्रेंस पर खड़े हो तो आपको अंदर वाला इंसान पानी के रिफ्लेक्शन में नहीं दिखेगा। अगर कभी कोई जंग हो जाती तो इसे दुश्मन पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। अब हम चलते हैं यहाँ के भूल भुलैया की तरफ। पीछे बावड़ी में एक देखने लायक चीज थी और यहाँ इस भूल भुलैया में एक सुनने लायक चीज है, मतलब ये है कि यहाँ दीवारों के भी कान हैं। वहाँ एक पॉइंट ऐसा है अगर आप वहाँ हल्के से भी कुछ बोलोगे तो वो पूरे भूल भुलैया में सुनाई देगा। आपके सांस लेने तक की आवाज भी वहाँ बहुत लाउड और क्लियर सुनाई देती है। उसे एक्सपीरियंस करने के लिए अब हम हमारे गाइड की आवाज सुनते हैं। इधर एक साइड बोल कान लगाने के लिए, यहाँ पे खड़ो, यहाँ चलिए 1 2 3 रेडी। हेलो, मैं सुना नहीं जा रहा आवाज। हाँ सुना सुना। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं नहीं आज आइए। नहीं आ रही। आइए चले आइए। सर सुनते बन जाएगी इधर रही है। भूल भुलैया पार करने के बाद आप इसी इमामबाड़ा के सबसे टॉप फ्लोर पे आ जाते हो जहाँ से आपको पूरे लखनऊ का व्यू दिखता है, बड़ा ही शानदार। अब यहाँ की सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जगह है इमामबाड़े का ये हॉल, जहाँ असफ़ुद्दौला की कब्र है और साथ ही उनकी पगड़ी, कपड़े और उनकी कुछ पर्सनल चीजें भी यहाँ रखी हुई हैं। वीडियोग्राफी अंदर मना है तो मैं यहाँ ज्यादा कुछ अंदर पास से रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन अंदर की जो डेकोरेशन है वो काफी अच्छी की हुई है। बड़ा इमामबाड़ा घूमने के बाद ये जो रास्ता है हम यहाँ से आते हैं और इस रास्ते से यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे यहाँ सामने आपको दिखेगा छोटा इमामबाड़ा। छोटा इमामबाड़ा अवध के थर्ड किंग मोहम्मद अली शाह बहादुर ने बनाया था। जो पीछे सतखंडा बिल्डिंग हमने देखी उसको अधूरा छोड़ने वाले राजा भी यही थे। छोटा इमामबाड़ा गैदरिंग हॉल के तौर पर यूज किया जाता था शिया मुस्लिम्स के लिए। छोटा इमामबाड़ा बड़े इमामबाड़े से लगभग 5 गुना छोटा है। यहाँ पर भी सामने की तरफ एक इमामबाड़ा है और यहाँ मोहम्मद अली शाह की बेटी आसिया बेगम की कब्र भी है जिसे ताजमहल की रेप्लिका जैसा बनाया गया है। छोटा इमामबाड़ा काफी खूबसूरती के साथ बना हुआ है, व्हाइट मार्बल से लेकर ब्लैक स्टोन्स और ऊपर उसके एक गोल्डन गुंबद। आपको यहाँ गाइड के साथ घूमने में 15 से 20 मिनट लग जाएंगे जो आपसे नॉमिनल सी 100 रुपीज की एक फीस लेते हैं, और अगर आपने 50 रुपए की एक कंपोजिट टिकट खरीद रखी है तो आपको छोटा इमामबाड़ा देखने के लिए अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं है। छोटा और बड़ा इमामबाड़ा देखने के बाद अब हम आ गए हैं वाजिद शाह अली जूलॉजिकल पार्क में। अंदर जाएंगे और यहाँ बहुत ही ज्यादा देखने को हमें कुछ ना कुछ मिलता है। यहाँ इतने सारे जानवर हैं, कुछ तो है ही। एक मैं हिमांशु को अंदर लेके जा रहा हूँ तो एक एक्स्ट्रा जानवर वहाँ अंदर और जाएगा, और ये भाई आ रहा है मेरा हिमांशु, इसका एडमिशन मैं अंदर करवाने जा रहा हूँ। हिमांशु अपना बैकपैक ले लिया आपने, अंदर अच्छे से रहना है, दूसरे जानवरों को परेशान नहीं करना। मेरे हिसाब से तो जो ये ई रिक्शा है ये इसमें भी घुमाते हैं, और सामने यहाँ पर है इसका मैप, तो मैप देखते हैं हम। यहीं रहना है तुझे कुछ दिन। तो लखनऊ जूम में आप देख रहे हैं मेरे सामने एक व्यस्क जानवर। ये बहुत खुखार जानवर है, इसे हम हरियाणा से पकड़ के लाए हैं, कुछ दिन यहाँ छोड़ देंगे,
लखनऊ में रह के थोड़ा सा अदब वगैरह सीख जाएगा। ये जो जूलॉजिकल पार्क है ये 4 किलोमीटर बड़ा है और यहाँ पे इस तरह की ई रिक्शा भी मिलती है जिसका प्राइस है 236 रुपये में आधा घंटा और 472 रुपये में एक घंटा और 236 रुपये में आधा घंटा। और इसमें आप 7 जने बैठ सकते हो यानी कि 236 में 7 जनों के लिए सवारी है। अगर आपके पास टाइम ही टाइम है तो आप आराम से पैदल घूमिए, अगर नहीं है तो ऐसी ई रिक्शा आप 1 या आधे घंटे के लिए बुक कर सकते हैं जो पूरा जू आपको आराम से घुमा देगी। अगर आपको जंगल के जानवरों के साथ नैन मटक्का नहीं करना तो आधा घंटा आपके लिए बहुत है। ये रिक्शा वाले भाई साहब आपको हर एनिमल केज के आगे रोकते हैं और आपको 2 से 3 मिनट का टाइम भी देते हैं ताकि आप जाकर उन्हें देख सकें। तो टोटल 15 से 20 तरह के जानवरों को आप दिखाए जाते हैं। वैसे ये जो जू है ये बाकी जू की तरह ही है लेकिन बस थोड़ा सा बड़ा है और वेल मेंटेन्ड भी है। और ये जो सेक्शन है यहाँ पे है जहरीले सांप इस जैसे। और यहाँ ये बड़ी सी फिश एक डबल स्टोरी एक्वेरियम म्यूजियम है जहाँ है बहुत सारी मछलियां अलग अलग प्रजाति की। आज 2022 में ये जूलॉजिकल गार्डन 101 साल पुराना हो चुका है। जू के अलावा इस गार्डन में टॉय ट्रेन है, विंटेज ट्रेन है और एक स्टेट म्यूजियम भी बना हुआ है। वैसे यहाँ पर आपको अपना बैग रखने के लिए क्लॉक रूम भी मिल जाता है और यहाँ की टिकट का जो प्राइस है वो 50 रुपीज पर पर्सन है। तो अब जू देखने के बाद हम सीधे आ गए हैं अंबेडकर पार्क जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित है। टिकट का जो प्राइस है वो है सिर्फ 15 रुपीज, लेकिन अगर आप इसको बनाने की कॉस्ट जान लेंगे तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। तो जो कॉस्ट है वो तो मैं आपको थोड़ी देर में बता ही दूंगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार ये पार्क देख लो ताकि आपको वो जो कॉस्ट है उसे सुनने में भी मजा आए। इस पार्क की जो नींव है वो सबसे पहले 1995 में रखी गई थी और तब इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल था, लेकिन 2002 में इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क रख दिया गया और 14 अप्रैल 2008 को उस टाइम की उत्तर प्रदेश की सीएम मायावती जी ने फाइनली इसे पब्लिक के लिए ओपन किया। ये पार्क 108 एकड़ में फैला हुआ है। अगर मैं इसे पूरा देखने की सोचूं भी तो मुझे कम से कम 1 घंटा यहाँ चलना पड़ेगा। यहाँ अंदर अंबेडकर जी का एक बहुत बड़ा स्टैचू भी है। ये सारा मार्बल और लाल पत्थर राजस्थान से मंगवाया गया है। यहाँ कम से कम 10 से 15 बॉलीवुड और जो लोकल सिनेमा है उनके सॉन्ग्स की शूटिंग भी हुई है, जिनमें से एक फेमस सॉन्ग है सोनोना संगे मरमर। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि जो इस पार्क की टिकट का प्राइस है वो सिर्फ 15 रुपीज है, लेकिन इसको बनाने की जो लागत थी वो आज से 20 साल पहले 700 करोड़ रुपए थी। ये जो पीछे ऊपर है ये यहाँ की जो बिल्डिंग थी इस पार्क के अंदर उसका टॉप है। हम टॉप पर जा रहे हैं और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिखेगा पूरे पार्क का।
अंबेडकर पार्क के बारे में आपको एक बात बता दूं कि इसे मायावती ने बनवाया था और मायावती का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथी। तो यहाँ इतने सारे वहाँ पर हाथी लगे हुए हैं, इनकी वजह से ये बहुत बवाल भी हुआ था उस टाइम। तो एक हाथी का साइज इतना बड़ा है कि मैंने हिमांशु को वहाँ खड़ा किया है। आप हिमांशु की हाइट है 5'11" और जो हाथी है वो इतना बड़ा है यहाँ से। तो आप समझ जाइए कि एक मूर्ति है जो हाथी की वो इतनी बड़ी है। तो ये था भीमराव अंबेडकर पार्क। वैसे तो ये कोई पेड़ पौधों वाला पार्क नहीं है, यहाँ पर जो भी आप देख सकते हो कि मार्बल से ये पार्क बना हुआ है, भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित है। और अभी तो हम आए हैं दिन में, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि रात को है ना, जैसे ये जितने भी यहाँ खंभे वगैरह हैं इन सब पे लाइटिंग हो जाती है, तो रात का व्यू जो है इसका वो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने शेड्यूल से यहाँ आए। अगर आपको दिन में आना है तो भी ये बहुत अच्छा दिखता है, और रात को तो फिर लाइटिंग वगैरह के साथ ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं गोमती रिवर फ्रंट पार्क, जो कि यहाँ से बस आधा किलोमीटर दूर है। सनी, यहाँ मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई भाई, लेकिन जो मुझे नहीं समझ में आया वो एक खाना पकाना, एक लाउड स्पीकर, एक कपड़े धोना और पतंग उड़ाना, इनमें से तो कुछ करने वाला था यहाँ? नहीं, मैं इनमें से कुछ नहीं करने वाला, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। बताओ। यहाँ पे नहाना, पालतू जानवर, जुआ खेलना। तो पालतू जानवर तो मैं लाया तो हूँ तुझे, अच्छा, तू बाहर जा। ओ माय गॉड, चलो मैं जा रहा हूँ। गोमती रिवर फ्रंट पार्क 2016 में अखिलेश यादव जी ने इसे बनवाया। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि यह गोमती नदी के किनारे बना हुआ है, जो कि 2 किलोमीटर लंबा है। मैंने सुना था कि लोग यहां फैमिली और दोस्तों के साथ शाम बिताने आते हैं। पार्क बहुत बढ़िया है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं आपको बताता हूं कि क्या। तो यह गोमती रिवर का फ्रंट पार्क, मैं आपको ऑनेस्टली एक रिव्यू दूं कि पार्क जो बना हुआ है ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ है, इसमें नो डाउट है। यहाँ हर तरह के फूल हैं, अच्छे बैठने के लिए बेंच हैं, बहुत सारी मतलब घास है, हरा भरा है, कहीं से ये नहीं लग रहा कि ये कोई अच्छा पार्क नहीं है। अच्छा, इस पार्क की जो एंट्री है वो है 10 रुपये की, लेकिन अगर आप ये सोच कर आएंगे ना कि हम नदी किनारे बैठेंगे, क्योंकि यहाँ से गोमती रिवर जा रही है, अगर आप ये सोच के आएंगे कि हम नदी किनारे बैठेंगे और कुछ अच्छी सी शाम बिताएंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नदी बहुत ही पोल्यूटेड है और वहाँ से यहाँ तक बदबू आ रही है। जो वहाँ रनिंग ट्रैक है या वॉकिंग ट्रैक है, अगर आप उसके ऊपर जाएंगे या उसके पास जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लगेगी उस नदी में से। तो एक बार वन टाइम वॉच के लिए पार्क सही है, बाकी मुझे कुछ इतना खास इसमें लगा नहीं। और अपना लखनऊ का जो व्लॉग है वो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद आपसे मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि हम जा रहे हैं लखनऊ से आगरा। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।